Good morning students, my name is Bhavtos, I am from Diom Public School. Today I will teach you physics of class 9, chapter number 1, motion. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन. तो मोशन हम कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी भी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होना. इसे आप एक एग्जांपल की सहायता से समझिए. आपको स्कूल जाना है और आप अपने बस स्टैंड पे पहुंच गए 7:30 बजे और 8 बजे आप पहुंचे स्कूल में. तो यहाँ पर दो चीज़ चेंज हुई. 7:30 बजे आप इस बस स्टैंड पे थे और 8 बजे आप स्कूल में. तो एक तो पोजीशन चेंज हुई और दूसरा टाइम चेंज हुआ. इसे हम कहेंगे मोशन. इसे डिफाइन करते हैं चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. इसके बाद आता है रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है. जैसे आपने सिपाहियों को यानी सोल्जर्स को मार्च करते हुए अगर देखा हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. तो इसे हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इसके बाद आती हैं क्वांटिटीज. क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. इसे आप इस एग्जांपल से समझिए. आप कहीं दुकान पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी चाहिए. तो इसमें 2 सिर्फ मैग्नीट्यूड है और आप इसके अलावा उससे और कुछ नहीं कहते. तो इसमें यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज. क्वांटिटीज विद ओनली मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा. इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं. क्वांटिटीज विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल वेट डिस्प्लेसमेंट. एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ होता है कि टोटल डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं ओवरऑल, उसे हम कहते हैं पाथ लेंथ। यानी आप घर से स्कूल पहुँचे और स्कूल में भी आप पूरे दिन जहाँ भी गए, एक जगह से दूसरी जगह या एक रूम से वॉशरूम या फिर किसी भी ऑफिस में और फिर से घर से आए स्कूल से, तो टोटल डिस्टेंस यानी घर से स्कूल, स्कूल में जो चलना और फिर स्कूल से वापस घर तक, आपने जितनी भी डिस्टेंस कवर की वो सारी कहलाएगी पाथ लेंथ। इसे हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट इस मीटर, इसे हमेशा मीटर में नापते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। ऑलवेज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसे न्यूमेरिकल निकाला जाता है, न्यूमेरिकली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि आप शुरू में जहां से चले और फाइनली आप जहां पहुंचे, ये इनिशियल पोजीशन और वो फाइनल पोजीशन, तो हम निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें स्केलर और मैग्नीट्यूड, ये मींस वेक्टर क्वांटिटीज मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इसके अलावा ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस तरह हो सकती है ये आप देखिए। हमने माना ऑब्जेक्ट हमारा चलना शुरू करता है ओ से गया ये ए पे, ओ से ए तक की दूरी है 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
तो इस वक्त फाइनल पोजिशन क्या है इसकी, ए, यानी कि 5 मीटर। और चलना कहाँ से शुरू किया था, इनिशियल यानी कि 0 से, तो ये हो गया 5 मीटर। ये क्वांटिटी हुई हमारी पॉजिटिव। अगर ये जी ओ से ए पे जाए और ए से वापस ओ पे आ जाए तब ये केस वन। केस टू में अगर ये सेम पोजीशन पे वापस आ जाता है तब, तो फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन भी 0, क्योंकि इसी ने यहाँ से ही चलना शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट 0। मतलब 0 से चलना शुरू किया, 5 मीटर तक गया, फिर बिना रुके वापस आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, यानी यहीं से शुरू किया था चलना और यहीं वापस आ गया। जैसे अगर कोई चीज़ मैं ऊपर उछालूँ मार्कर और वापस वहीं पे आ जाए उछलने के बाद, यानी कि शुरू की पोजीशन और बाद की पोजीशन सेम है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। केस थर्ड, अगर ये शुरू में 5 पे है और बाद में यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और इसकी मान लिया हमने बी, अभी ए पे है और बी पे आ जाए, ए से बी, यानी पहले गया ओ से ए पे, फिर ओ से ओ पे, और अब ए से बी पे, तो जो ए की पोजीशन है ओ के रेस्पेक्ट में वो कितनी दूरी है, 5 मीटर, और बी तक कितनी है, 2 मीटर, नहीं फाइनल पोजीशन है इसकी 2 मीटर ओ से बी, और इनिशियल है कहाँ, ए, यानी कि 5 मीटर। ये हो गया माइनस का 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पढ़ा मोशन क्या होता है, फिर मोशन चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती हैं। फिर हमने पढ़ा पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।